आज का हमारा विषय है परिवार नियोजन के लिए पति पत्नी के बीच आपसी बातचीत का महत्व। परिवार नियोजन करने के लिए आपसी बातचीत बहुत ज़रूरी है। पति पत्नी को जैसे घर के सारे जिम्मेदारियां और घर के सारे निर्णय आपस में बातचीत करके लेते हैं, उसी तरीके से एक परिवार को नियोजित करने की जो भी बात होती है वो आपस में बात करके और एक नतीजे पे पहुंच के ही ली जा सकती है। वो एक के निर्णय से लेना वो सही नहीं होता, दोनों ही उसमें भागीदार है, दोनों ही आपस में बात करके जब वो सही तरीके से तैयार हो तब अपना परिवार नियोजित करें। नए दंपतियों के लिए मेरी तो ये राय रहेगी कि 2 साल तक वो कोई बच्चा ना करें। 2 साल तक वो आपस में एक दूसरे को जाने पहचाने, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें और फिर जब वो पूर्ण रूप से तैयार हों बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तभी वो ये कदम उठाएं। और बच्चा ना हो इसके लिए वो बहुत से तरीके अपना सकते हैं। पुरुष जो है निरोध इस्तेमाल कर सकते हैं, महिलाएं हैं वो गर्भ निरोधक गोलियां इस्तेमाल कर सकती हैं, कॉपर टी भी लगती है जो 3 साल तक के लिए लग सकती है, और इंजेक्शन डिम्पा भी लगता है जो हर 3rd महीने लगता है, और इनके तुरंत बंद कर देने के बाद जल्द ही गर्भधारण हो जाता है। गर्भधारण में कोई किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आती है। ये सुविधा इन्हें मोहनलाल गौतम राजकीय चिकित्सालय जो कि रसलगंज में है यहाँ प्रतिदिन उपलब्ध हैं। यहाँ नया दंपति आके डॉक्टर से मिले, यहाँ काउंसलर्स भी है जो उनको राय देते हैं कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, उनके क्या गुण हैं, उनके क्या अवगुण हैं, वो सब उनको बताए जाते हैं और अपनी इच्छा से जो भी सुविधा उन्हें अच्छी लगती है वो अपनी इच्छा से अपना सकते हैं। इसके अलावा UHI की तरफ से मक्खनलाल हॉस्पिटल, हीरालाल हॉस्पिटल, राठी हॉस्पिटल और प्रेमचंद हॉस्पिटल में भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। और मलिन बस्तियों में पीयर एजुकेटर्स जाते हैं, उनसे अगर ये दंपति संपर्क करें तो वो भी ये सारी सुविधाएं निशुल्क इनको प्राप्त करी जा सकती है। इस युग में लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, सब एक समान है, कंधे से कंधा मिला के लड़का लड़की चल रहे हैं, तो हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनके लालन पोषण में भी एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए और हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये लड़की है या लड़का है। क्या ज़रूरी है कि अगला बच्चा लड़का ही पैदा हो? हमारे परिवार में हमारे सास ससुर का प्रेशर तो रहता ही है क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, पर हमें उन्हें समझाना चाहिए कि एक परिवार जो है अपनी आमदनी के हिसाब से ही नियोजित करा जा सकता है, जिससे उसके बच्चों का लालन पालन, उनकी पढ़ाई और उनका स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करी जा सके। उतने ही बच्चे पैदा होने चाहिए, अन्यथा और ना पैदा करें। और मेरी राय में 2 बच्चे बहुत हैं, 1 बच्चा तो बहुत ही उत्तम है अगर कोई परिवार करे, 2 बच्चे ठीक है, पर 3रा बच्चा कभी नहीं।